कितने का है? कितने का है? 100 का 3 है। 100 में 3 टोल। हाँ तो छोटी भी जोगे बड़ा बड़ा लगा। अरे वो मिल कैसा? 50 का वाटा है। 50 का वाटा ये है। 50 का वाटा। 50 का वाटा 100 का 3। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ दो हम लोग को अल्लाह जोड़ी सलामत रखे भाई। अल्लाह ताला दोनों को बड़े हादसात से बचाए, बड़ी बीमारियों से बचाए। आमीन। जान माल इज्जत आबरू ईमान अमल बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आफियत के साथ करकरा मच्छी बहुत खतरनाक है। करकरा मच्छी बहुत डेंजर है। कितने की भाई है? 350 का 2। आज मैं बनाने वाली हूँ कुप्पा मच्छी फ्राई और सेंग के फल्ली की दाल। साथ ही में ये फल्ली भी डाल देंगे जो धो के रखी हूँ मैंने। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये दाल भी मैंने डाल दी। तड़के में दाल को मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिश जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कलर कितना अच्छा आया है फिश के ऊपर, है ना? खाने में भी उतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप सब की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब भी बहुत अच्छे से। हाँ तो मॉर्निंग हो गई और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। अब तैयारी है जाने की गोंडी मार्केट। गोंडी क्यों जा रहे हैं? आपको मालूम है मेरा फ्रीजर हो गया खाली और अफरीन के अपने काम है। हाँ मुझे अपना ड्रेस सिलवाना है तो वो देने जाना है मुझे गोंडी। और कुछ घर के सामान भी लेना है छोटा मोटा वो भी ले लेती हूँ। और मार्केट जाके मच्छी भी देख लेती हूँ कि आ मच्छी आई है तो सब काम हो जाएगा। गवंडी जाऊँगी तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं तो सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ गवंडी मार्केट वगैरह। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। आपने सब्सक्राइबर उसको गवंडी मार्केट बहुत पसंद थी। इंतजार कर रहे गवंडी कब जाओगी? पूछते आप लोग गवंडी कब जा रहे? सही बात। तो जब फ्रीजर मेरा खाली होता तो मच्छी लेने चले जाते। और माशाल्लाह गवंडी के भी सब्सक्राइबर हमारे बहुत सारे, मार्केट में जाएंगे तो मिल ही जाते हैं। वो हम लोग मच्छी नहीं आते, हम लोग उल्लू हम लोग को ढूंढते हैं कि आपा कब आएंगे आपा कब आएंगे। फिर बोलते हम लोग आपको ढूंढते आप कब आओगे। हाँ लेकिन ऐसा बोलते ना। अच्छा अच्छा से मसाले भी लेने गए वो मसाले भी खत्म हो गए तो चले सब काम हो जाएगा। गोंडी जाते चलो चलो फटाफट चलते धूप ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ गोंडी जाके आती है उसके बाद आप लोगों को रेसिपी भी बताना है तो वो भी बता देती हूँ। मच्छी खत्म हो जाएगी यार चलो चलो। तो अभी पहुंच गए हम लोग गवंडी शिवाजी नगर मार्केट। हाँ तो हम लोग आए देखो यहाँ हमारे टेलर भाई के पास कपड़े देने के लिए गवंडी। कपड़े दे दी हूँ माप दे दी हूँ। अभी गए चाय लाने हमारे लिए चाय लाने के लिए। ये उनकी दुकान है, इनका टेलर का नाम दुकान भी है अफरीन टेलर। मेरे ही नाम का दुकान है अफरीन टेलर। तो मुझे पहले से जब हम गवंडी में रहते थे इनकी फिटिंग वगैरह जमती थी इसलिए मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ देने के लिए। कुरला में इतने टेलर छोड़ के मैं यहाँ आती हूँ। तो फिर अभी दे दी कपड़ा तो सिलने के लिए गए चाय लाने। चाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं। हम लोग को मार्केट भी जाना है मच्छी वगैरह देखने के लिए। मेरे को टेंशन हो रहा है मच्छी खत्म ना हो जाए। हाँ ऑलरेडी यहीं पे टाइम हो गया और भी कुछ काम था वो कर रहे थे और उसके बाद हम लोग टेलर के पास आए। जाते अभी मार्केट चाय पी तो मास्टर कब देंगे कपड़ा अपना? वो तो एक दिन में दे देगा। कब मिलेगा मास्टर? कल। कल पक्का? पक्का सिल जाएगा। चलो ठीक है इतनी टाइम आओगे तो मिल जाएगा। चलो मैं बच्चे को भेज दूंगी। चलो मास्टर साहब चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपने चाय पिलाया हम लोग को। हमारा कपड़ा जब भी दू तो मुझे एक दिन में दे देते हैं और अच्छा सिल के भी। बहुत अच्छा और सस्ता भी आ गया। और आपको सिलाना है तो गवंडी में आके सिलाओ मास्टर साहब के पास। बहुत अच्छे हमारी फैमिली ऐसे आप लोग भी आके इनके पास से अपने कपड़े सिला सकते हैं, है ना? मास्टर अपना नंबर बोल दो ना और किसको आना आप आएंगे नंबर बोलो। मोबाइल 4656 0271। चलो माशाल्लाह कॉल करना हमारे मास्टर जी को और इनके पास आ जाना गवंडी में कपड़े सिलाने। अभी पहुंच गए हम लोग मच्छी मार्केट भरा हुआ लग रहा है। चलो चल के देखते क्या मच्छी आई। चलो माशाल्लाह इंतजार घड़िया खत्म हो गई है। फटाफट मच्छी लो फ्रीजर भरना है।
खारे पानी की क्या नदी की? मीठे पानी की। मीठे पानी की। अच्छा, कवई बोलते हैं। कवई कवई कवई। चलो चाचा कैसा बांटा इसे? ये 50 ही अच्छा हुआ। 100 रुपया बता दी। 20 रुपया चौदा। 20 रुपये में 100 वकाई चौदा। लस्सी बड़ा बांटा 20 रुपया। कितने का है? कितने का है? 100 का 3 है। 100 में 3 टोल। हाँ, तो छोटी भी जोगे। अरे वो मिल कैसा? 50 का बांटा है। 50 रुपया बांटा। ये 50 का बांटा। 100 का 3। एक नंबर। रुपया दे रहा तू? 100 बोल रहा है? नहीं भाई, 100 रुपये दे रहे हैं। 50 रुपये नहीं दे रहे हैं। 10 मांग रहा है, 2 मांग रहा है और लगा के देंगे। अच्छा, ये 100 रुपया? हाँ, 100 रुपया का। 10 जाना मतलब 12। बारह। और ये शुरू में 300 का एक, 500 का दो, 500 की जोड़ी। ये लंबी वाली क्या भाई? एक टोल मच्छी है। ये टोल का सौ का एक, 300 का दो। ये भी कर गया। बांगड़ा ले लो। 200 वाला बांगड़ा 100 रुपया डाला। अच्छा है, देखो 100 का 7 बोल। 10 कर दे भाई, चमका देना। करकरा मच्छी बहुत खतरनाक है। करकरा मच्छी बहुत डेंजर है। कितने की भाई? 350 का 2 क्या? एक नहीं ताजा नहीं है। अच्छा, एक कुप्पा 100 रुपये जोड़ी ले लो भाई। 100 में 2 कुप्पा। एक नंबर है क्या? है टोल मच्छी। 100 रुपया। ये कौन सी मच्छी? डोमा डोमा रावस। कैसा बाटा? 50 रुपये में बाटा लो भाई। ले भाई लगा के लो। 50 रुपये वाटे में लगा के लो। चलो भाई, थैली भर रही है, फ्रीजर भर जाएगा इंशाल्लाह। हेलो चाचा, आ गए? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे चाचा? अभी आपके पास हम लोग आने वाले थे। बड़े दुआ दो हम लोग। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे भाई। अल्लाह ताला दोनों को बड़े हादसा से बचाए, बड़ी बीमारियों से बचाए। आमीन। माल इज्जत आबरू ईमान अमल बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा। मेरा मसाला भी आप लोगों के जरिए अल्लाह ताला बिका दे। क्या बेशक बेशक। आमीन। अल्लाह ताला आपके धंधे में बरकत अता फरमाए। नया चलो लो मसाला लो चाचा से। फटाफट खाली खा जाओ। जो जो मसाला चाहिए निकाल लो। माशाल्लाह। अरे ऊपर एक बड़ा रखिए, नीचे 3 छोटे रखिए भाई। हाँ भाई, कितना बोल रहे? 100 का है पूरा। अरे 100 पूरा मतलब 4 पीस ही तो है यार। बड़ा बड़ा रहता तो 100 बराबर था। ये कैसा किलो से क्या? 100 रुपए किलो भाकुर मच्छी। एक नंबर, बड़ा जम्बो साइज है अभी। लेना भाई? अभी नहीं चाहिए, अभी तो मच्छी सब ले ली काफी। 160 रुपए किलो पूरा। और ये भाई बड़ा 300 280 का है। 200 कैसे भाई? 50 रुपया वाटा। 50 है। 50 रुपये। 50 रुपया। झींगा 50 रुपया वाटा भाई। अभी थोड़ा मिलाना लेना। झींगा झींगा नहीं जी, 150 में। 150 में अच्छी है, ले ले। अच्छा है ये मच्छी लिए तो खोपरा तो बनता है। आपने 5 रुपये टुकड़ा। 5 रुपये 5 रुपये मच्छी मार्केट में खोपरा जरूरी है। और इनको प्रैक्टिस भी फूले ना फ्रीम काटने की। सब सामान तो ले ली, मच्छी वगैरह अभी चलते घर पे है ना। चलो ऐसे इमली ले रहे। चलो माशाल्लाह, अभी घर पे चल के मिलेंगे। घर पे चल के मिलती, बता दी क्या चाहिए। चलो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जाकर आ गए हम लोग, सारा काम हमारा हो गया। और मच्छी लेना तो वो भी ले लिए। और क्या क्या लेकर आई हूँ बता देती हूँ आप लोगों को। मच्छी का कोटा माशाल्लाह हो गया। हाँ, मच्छी फ्रीजर भर जाएगा हमारा। अरे हमारे चाचा के मसाले देखो,
और चाचा बहुत खुश होते हैं जब हम लोग उनसे मसाले लेते हैं और हमारे थ्रू जाते हमारे व्यूअर्स, तो वो भी उन लोग बहुत खुश होते हैं ना। बोलते जो व्यूअर्स आके नाम लेता है ना तुम्हारा बेटा, जब मेरे लिए तुम्हारे दिल से दुआ निकलती है। जब कोई आके बोलता है कि हमने आफरीन के व्लॉग देख के आपके पास आए हैं, तो बोला तुम्हारे लिए फिर दुआ निकलती है। तो ये उनका दालचा कोरमा बिरयानी का मसाला, ये भी बहुत अच्छा रहता है, ये भी ट्राई ज़रूर करना चाचा के पास से, ये भी मसाला ज़रूर लेना। और ये तो आप लोगों को मालूम ही है फिश का मसाला ले लियो। तो ये मैंने रावत ले ली, रावत भी अच्छी बड़ी बड़ी है, 50 रुपये वाटा मच्छी है, बाजार में मार्केट में मच्छी आई हुई है, जाइए आप लोग भी। अच्छा ये टोल अक्की टोल मुझे 150 रुपये में मिली है। इतनी बड़ी दिया, इतनी बड़ी टोल दी 150 में दिया। पीस भी बहुत अच्छे, फ्राई करके खाओ एकदम बहुत मजा आता है। पीस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, दाल चावल टोल मच्छी फ्राई एकदम मजबूत मजा आएगा। सही बात है। और ये कुप्पा है, कुप्पा मच्छी, कितना खून है इसमें, वो खून बहुत रहता है ना, मगर इसके भी पीस, इसके पीस देखो ना एकदम मस्त पीस, माशाल्लाह बहुत बढ़िया एकदम ताजा ताजा है। और ये है मेरी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट ज्यादातर फेवरेट है, देख सकते हैं बांगड़ा मच्छी माशाल्लाह, ये भी तो बहुत ही मस्त बांगड़ा है, देखो साइज भी क्या दिया है, और एकदम कड़क कड़क बांगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन दिया, बहुत बेहतरीन है बांगड़ा। ये मिला है मुझे 100 रुपये का, 9 बांगड़ा दिया, 7 लगाए थे वाटे में तो 2 बढ़ा के दिए, डालो ना एक लगा के दो, डालो ना एक तो डाल दे। वो तो हर लेडीज बोलती है ना, एक डालो दो डालो लगा के दो, तो दे ही देते हो। तो अभी देखो, अभी इसको मुझे धो धा के साफ करके अच्छी तरह से फ्रीजर में रख दूंगी, और फिर जब बनाऊंगी तो आप लोगों को इसकी रेसिपी भी बता दूंगी, है ना। तो अभी मुझे काम बहुत है, सब साफ सफाई करके फिर आप लोगों को मिलती हूँ मैं डायरेक्ट किचन में रेसिपी बनाने के टाइम। चलो फिर मिलते हैं किचन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो चुका है, जो मच्छी मैंने लेकर आई थी मार्केट से वो अच्छी तरह से साफ करके धो के फ्रीजर में रख दी हूँ, और जो अभी बनाने वाली हूँ वो मैंने देखो यहाँ निकाल के रख दी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुप्पा मच्छी फ्राई और सेंग के फल्ली की दाल, हाँ सेंग की फल्ली की खट्टी दाल और कुप्पा मच्छी फ्राई कर रही हूँ, उसकी रेसिपी भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, आइए देखते हैं। देखो सेंग फल्ली की दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेंग की फल्ली को, ये 200 ग्राम फल्ली को मैंने इस तरह से कट करके साफ कर ली हूँ, और यहाँ पर मैंने ली हूँ कुप्पा मच्छी। तो चलिए सबसे पहले हम कुप्पा मच्छी को मसाला लगा लेते। चलिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, अब डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें जाएगा ये जो चाचा के पास से मैंने लाई थी ना टिक्का मसाला, ये चिकन में लगाने के, ये चिकन में लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत बढ़िया आता है। मैं हमेशा फिश में यही मसाला यूज़ करती हूँ, तो ये मैं डालूँगी 2 चम्मच। अब इसमें जाएगा 1 नींबू का रस, तो ये 1 नींबू का रस मैंने डाल दी। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से नींबू के रस में मिक्स कर लेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, 2 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी हूँ, अब ये सब मच्छी के टुकड़ों पे हम मसाला लगा लेंगे अच्छी तरह से। ये मसाला लगाने से ना बहुत अच्छी बनती है मच्छी, कोई भी फिश हो ये मसाले से आप बनाओ तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ मच्छी पर मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दी हूँ ये देखिए, और अभी इसको इसी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है मच्छी में अच्छी तरह से लग जाए, जब तक हम हमारी
सेंग की फल्ली की दाल बनाने की तैयारी करते। तो सेंग के फल्ली की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसूर दाल ली हूँ 250 ग्राम। चलिए अभी इसको पहला धो लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दाल अच्छी तरह से धो ली हूँ। दाल में अभी हम डालेंगे, ये छोटे टमाटर है छोटे साइज़ के, तो मैंने 5 से 6 टमाटर ली हूँ, और ये एक कांदा ली हूँ छोटा, और 3 हरी मिर्च ये दाल में डाल देंगे। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं 3 डाल रही हूँ। कांदा टमाटर मिर्ची डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। तो ली हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, ये 3 भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें जाएगा 2 ग्लास पानी, इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से क्या है ना, दाल जो है वो बाहर नहीं निकलती है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और ढक्कन लगा कर, देखिए इसको मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ गैस पे। तो गैस पे मैंने दाल रख दी हूँ। अब कुकर को 2 सीटी आने देंगे, 2 सीटी में हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। 2 सीटी आने के बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे कुकर को 2 सीटी हो चुकी है। चलिए अभी ढक्कन खोल कर देखते हैं, प्रेशर जो है वो रिलीज कर लेंगे, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। इंशाल्लाह देखिए हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ चम्मच से हिला के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने देखो इमली ली हूँ, क्योंकि हम खट्टी बना रहे हैं ना, सेंग की फल्ली की दाल खट्टी दाल बना रहे हैं। अगर आप लोगों को इमली नहीं डालना है तो इस तरह से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर मैं खट्टी बना रही हूँ इसलिए थोड़ी इमली भी डालूँगी। यहाँ पर मैंने इमली ले ली हूँ, एक थोड़ी सी इमली लेके इसको भिगा दी थी। इसको अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैं मैश कर लेती हूँ, क्योंकि इसका पल्प हम डालेंगे दाल के अंदर, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खट्टा तीखा दाल जब लगती है ना बहुत अच्छी लगती है फल्ली की दाल। मैं इसको मैश करके डाल देती हूँ पल्प इसका। तो ये मैंने अच्छी तरह से मैश कर ली इमली को, इसको छान लेंगे। इसको छान के ना इसका पल्प अलग कर लेंगे, और इसका जो छिलका वगैरह है वो अलग कर देंगे, नहीं तो वो दाल में डालने पर ना मुँह में लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो मैंने इसको छान ली। अब ये दाल के हम अंदर हम डाल देंगे इमली का पल्प, बिस्मिल्लाह, साथ ही में ये फल्ली भी डाल देंगे जो धो के रखी हूँ मैंने, बिस्मिल्लाह। 1 ग्लास पानी डाल देंगे, इन सबको मिक्स कर लेंगे दाल में। ये देखिए मैंने दाल में फल्ली डाल के इमली का पल्प डाल के मिक्स कर दी हूँ। अब ये फल्ली पकने तक हम दाल को पकने देंगे। इसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाली थी, और 1/2 ग्लास और डालूँगी मैं पानी, क्योंकि फल्ली पकने तक पानी की पानी लगेगा ना फल्ली पकने के लिए। अब ये फल्ली पक जाए 5-6 मिनट में ही पक जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दाल में मैंने पकने के टाइम भी 1/2 चम्मच नमक डाली थी, 1/2 चम्मच मैं और डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब ये फल्ली को पकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी फल्ली जो है वो पक चुकी है अच्छी तरह से, और मैंने गैस भी बंद कर दी हूँ। चलिए अभी इसे तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए इधर पे मैंने एक पतीली रख दी हूँ, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तेल में डालेंगे अभी हम 1 चम्मच राई, बिस्मिल्लाह, राई थोड़ी तड़कने देंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा। राई ज़ीरा तड़क रहा है, अब इसमें डालेंगे हम 4 सूखी लाल मिर्च, बिस्मिल्लाह। साथ ही में डालेंगे 4 से 5 कली लहसुन को मैंने कूट ली हूँ, ये भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाह।
इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा तड़के को लाल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, देखिए अभी ये लहसुन जो लाल हो रहा है, तो ये देखिए तड़का हमारा अच्छी तरह से लाल हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो दाल बना के रखे ना, ये डाल देंगे हम तड़के के अंदर। इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, वरना छींटे आंख पे उड़ेंगे। ये देखिए ये दाल भी मैंने डाल दी, तड़के में दाल को मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो ये हमारी सेंग की फल्ली की खट्टी दाल बनके रेडी हो चुकी है। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। माशाल्लाह, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये सेंग की फल्ली की दाल। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना इसको। ये दाल के साथ अगर कुछ नहीं भी रहेगा तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। आप चलिए मच्छी को जो मसाला लगा के रखे फ्राई कर देते। गैस पर रख देंगे एक तवा, तवे में डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम लो कर देंगे और ये जो मच्छी है मसाला लगा के रखे वो एक एक डाल देंगे हम तेल के अंदर। बिस्मिल्लाह, एक पैन में जितनी आती है उतनी डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेते अच्छी क्रिस्पी होने तक। तो हमारी फिश जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है, अभी इसे पलट के हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग कलर कितना अच्छा आया है फिश के ऊपर, है ना, खाने में भी उतनी टेस्टी है। इसके जितना पलट लेंगे वरना तेल जो है आग तोड़ सकता है। ये साइड से भी हम मीडियम फ्लेम पर मच्छी को फ्राई कर लेंगे। चलिए अब ये मच्छी फ्राई हो जाती है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी फिश जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। चलिए अब इसमें निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये हमारी फ़िश फ्राई बनके रेडी हो गई है। देख सकते हैं कितनी ऊपर से कोटिंग भी कितनी अच्छी आई है, एकदम क्रिस्पी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसी तरह से मैं जो सारी मच्छी फ्राई कर लेती हूँ, जो बचे हैं वो भी फ्राई कर लेती, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी कुप्पा फ़िश फ्राई हो गई, बन के रेडी हो गई है। देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब चलिए अभी हम सेंग की फल्ली की दाल जो है वो डिश आउट करके, यहाँ पे दाल भी हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह, हमारी ये दोनों रेसिपी कुप्पा फिश फ्राई और सेंग की फल्ली की खट्टी दाल बनके रेडी हो चुकी है। ये दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, आप लोग अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारी कुप्पा फिश फ्राई तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये दोनों रेसिपी, जो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए, लेट हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग जल्दी से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो माशाल्लाह, खाना खाने के बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था खाता खाते खाते। तो अभी देखो असर की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और मौसम भी किस तरह हो गया है, देखो एकदम बादल छा गए, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो ठंडा लग रहा है मौसम, शायद ठंडी का ही इस तरह से हो गया है मौसम। तो बैठी हूँ नमाज़ पढ़ के असर की, अभी मेरे मगरिब की नमाज़ का भी वक्त होने वाला है। सोची अभी ये वीडियो को एंड कर देती हूँ, कि सुबह से मार्केट वगैरह जाके आए, बहुत थकान हो गई मुझे, खाना ना फिर मार्केट से आके खाना बनाई, है ना,
थक गई थोड़ा, तो सोची अभी वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा दिन भर का रूटीन, मेरा गवंडी मार्केट और मेरी रेसिपी? तो मैंने आप लोगों को बताई मच्छी फ्राई और सेंग वाली खट्टी दाल। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो ये वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आपने दस्तरबा। चलो अल्लाह हाफिज़। सैफान आओ, सैफान भी अल्लाह हाफिज़ करेगा, देखो मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना अल्लाह। और मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिए। मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आपने दस्तरबा। चलो।